गाइस ये है AKG का K72 क्लोज बैक हेडफोन। जी हाँ गाइस, ये क्लोज बैक का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो हेडफोन है इसका जो बैक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे क्लोज्ड होता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्लोज्ड बैक हेडफोन रखा गया है। ये AKG का K72 मॉडल है। इसमें तीन मॉडल आते हैं, एक तो 92 आता है जो सबसे महंगा होता है, दूसरा यहाँ पे जो होता है K72 जो मिड रेंज का आता है, उसके बाद K52 शायद आता है, वो यहाँ पे सबसे सस्ता वाला इसका जो है यहाँ पे हेडफोन्स आता है। अब गाइस ये जो हेडफोन है ये एक स्टूडियो हेडफोन है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, तो ऐसे में आपको ये हेडफोन लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक स्टूडियो हेडफोन है। इसमें क्या होता है कि इस हेडफोन में जो वॉइस आती है, जो आप रिकॉर्ड करते हैं कैमरे में, वो वॉइस एक्चुअली किस तरीके का है वो यहाँ पे सुनाई देता है। मार्केट में बहुत सारे नॉर्मल्स भी हेडफोन्स आते हैं, जैसे कि 400, 500, 600 रुपये में अगर आप लेते हैं यहाँ पे, जो स्टूडियो हेडफोन नहीं होते, नॉर्मल जो होते हैं गेमिंग जो हेडफोन्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो हेडफोन है उसमें वॉइस आपको, उसमें बेस ट्रबल क्या है वो एक्स्ट्रा हेडफोन के तरफ से बूस्ट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, फिर आपको वो सुनने को मिलता है। वैसे इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताएंगे कि ये जो मॉडल है, वैसे तो बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टूडियो हेडफोन मिलते हैं, मगर AKG भी यहाँ पे ट्रेंडिंग में है, लोग इसको परचेज़ करते हैं। मैंने भी यहाँ पे परचेज़ किया, आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये कैसा है। तो चलिए आपको सारी क्वालिटी वाइज सब कुछ बताएंगे कि कैसे चलता है। नॉर्मल अगर आप सॉन्ग सुनते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो वो कैसे आती है वो भी आपको बताते हैं। तो फिलहाल बॉक्स पैक में कुछ इस तरीके से आता है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको हेडफोन्स मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, और इसमें एक आपको कनेक्टर भी मिलेगा एक्स्ट्रा, जो कि आप 1.4 इंच का होता है। ये 3.5 mm पे ये थ्रेड है, इसी में वो टाइट रहता है, उसको खोल के आप निकाल भी सकते हैं। जब आप मिक्सिंग वगैरह यहाँ पे यूज करते हैं, बड़ा आपके पास स्टूडियो है, तो अगर वॉइस मिक्सिंग मशीन वगैरह आप यूज करते हैं तो उसमें वो लगा के इसको लगा सकते हैं। बाकी ये 3.5 mm है, इसको आप अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, अपने कैमरा में, हर जगह इसको जहाँ 3.5 mm है यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि ये इस तरीके से आपको यहाँ पे हेडफोन दिखता है, जो कि मैंने क्लोज बैक बोला, तो देखिए जहाँ पे लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या होता है, ये क्लोज है। बाकी जो और महंगे आते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे ओपन होता है, खुला होता है, वॉइस थोड़ी सी बाहर भी आती है। तो वो बड़ा हो गया, अगर आपको नॉर्मल लेना है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ क्वालिटीज़ के बारे में। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले बात करते हैं, ये जो हेडफोन्स है इसका जो यहाँ पे आप डिज़ाइन देख रहे हैं, तो डिज़ाइन वाइज इसमें आपको सबसे फ्रंट टॉप में एक आपको मेटल स्ट्रिप मिलती है, ये दो केबल मिलती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये दो मेटल यहाँ पे आपको ये प्लेट मिलती है, इसी में ये पूरा हेडफोन जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसका जो पेंट है, बता दें कि ये पाउडर कोटेड पेंट किया गया है, जो कि एक अच्छा पेंट होता है, जल्दी ये नहीं निकलता है, नॉर्मल जो ऑयल पेंट होते हैं उससे अच्छा होता है। तो ये पाउडर कोटेड किया गया है, तो यहाँ पे ये अच्छा है। और ये इसका जो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ देख रहे हैं ये भी अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का, ऐसा कुछ मजबूत है यहाँ पे ये, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे ये इसके स्ट्रिप के बारे में, हेड रेस्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो स्ट्रिप दिया गया हेड रेस्ट, ये एडजस्टेबल है, मतलब कि ऑटो एडजस्ट हो जाता है आपके हेड पे, जैसे आप इसको हेड पे लगाते हैं तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, और ये हिलता भी नहीं है। अगर आप इसको हिलाएंगे इस तरीके से, सोचें गिर जाएगा, तो ये बहुत ही टाइट है, ऐसा नहीं है कि ये हिलेगा, मतलब कि स्मूथ है, एकदम नॉर्मल है, कोई प्रेशर भी आपके सर पे इतना नहीं पड़ता है, तो ये ऑटो एडजस्ट होके फिट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो अदर्स जो हेडफोन आते हैं उसमें क्या होता है कि आपको साइड से यहाँ पे जो है एडजस्ट करना पड़ता है, इधर से एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपके वो हेड पे सेट होता है। ये आप कोई भी हो, जिसके भी हेड पे आप लगाएंगे, वो ऑटो एडजस्ट होके ये इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। दूसरा यहाँ बात करते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है इसका कुशन। ज़्यादातर लोग हेडफोन अगर लगा रहे हैं तो जो ईयर है वो दर्द होने लगता है, क्योंकि अगर वो मटेरियल अच्छा नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, तो क्या होता है ज़्यादा देर लगाने से जो है यहाँ पे दर्द होता है। तो इसमें क्या है, इसको मैंने 1 वीक तक यूज किया है,
तो बता दें कि ये जो इसका जो हेडफोन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुशन जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। इसको लगाने में आपको थोड़ा सा क्या होता है कि ये आपका जो ईयर है पूरा इसके अंदर आराम से पूरा चला जाता है, और बाहर की जो वॉइस है वो आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे सुनाई देती है। ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो जाता है, सुनाई देता है। तो ये एक अच्छी बात है कि बाहर से भी आप थोड़ा बहुत सुन सकते हैं लगाने के बाद। अब बात करते हैं इसके मटेरियल की, तो लेदर लुक दिया गया है, मटेरियल बहुत ही अच्छा दिया गया है, एकदम सॉफ्ट नहीं है। अब और अदर्स जो होते हैं, अदर हेडफोन में क्या होता है कि ये बहुत सॉफ्ट दिया होता है, आपने देखा होगा, तो ये सॉफ्ट नहीं है। ये जैसे आपका लेदर सीट होता है, जैसे सोफा वगैरह लेदर्स के होते हैं, उस टाइप का यहाँ पे ये कुशन दिया गया, आप देख सकते हैं। तो ये मजबूत दिया गया, तो ये लॉन्ग लास्टिक है, ज़्यादा दिन चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ये मटेरियल यूज़ किया गया, तो अच्छी बात ये भी है। इस बात करते हैं इसके एडजस्टेबल हेडफोन के बारे में, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो ये हिलता डुलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये गैप दिया गया है साइड में, तो ये इसलिए दिया गया कि जैसे ही आपका जो सेप है, आपका हेड है, जो ईयर है सेप है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। जैसे आप अपने हेड पे लगाएंगे, ये जिस तरीके से आपका हेड है उस तरीके से ये ईयर पे जाके सेट हो जाएगा। ये भी एक अच्छी चीज़ दी गई है, एकदम मूवमेंट नहीं है कि बहुत सारा मूवमेंट होता, हाँ ये थोड़ा सा इस तरीके से ढीला है इस तरीके से, तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप लगाते हैं तो अच्छे से ये फिट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं इसके केबल के बारे में, जो कि मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि इसका जो केबल है उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही मजबूत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए जो केबल है इसकी जो क्वालिटी, आपको ये केबल हल्का फुल्का नहीं, आपको ये देखिए कितना मोटा केबल यहाँ पे मिलता है। अदर जो हेडफोन्स आते हैं उसमें क्या होता है कि केबल बहुत ही कमज़ोर दिया होता है, मेन चीज़ यही होता है कि आप बार बार इसको रखते हैं और लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है जो केबल होता है बीच से टूट जाता है, कमज़ोर होता है, पतला होता है, मगर इसमें जो केबल का जो यहाँ पे मोटाई है वो अच्छा खासा दिया गया है, बढ़िया दिया गया है, तो इससे ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग तक चलेगा, ये भी एक क्लियर होता। दूसरी बात इसमें जो मुझे नहीं अच्छा लगा वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसके जो केबल है वो डिटेचेबल नहीं है, यहाँ से ये निकलता नहीं, ये फिक्स है। अगर आपको ध्यान से दिखाएं तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रबड़ पॉइंट भी दिया हुआ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये केबल फिक्स है, ये निकलता नहीं है। और सारे हेडफोन में क्या होता है, यहाँ पे डिटेचेबल होता है, तो हो सकता है कि वीडियो एडिट करना, आपको एडिटिंग करना है, तो उसमें ज़रा सा भी जो लेट वाला जो फीचर्स है, लेटेंसी है, जो आपकी जो ऑडियो वो क्लियर तुरंत आपको सुनाई दे, थोड़ा सा भी लेट ना हो, तो इस वजह से ये फिक्स दिया गया है, और इससे अच्छा ये भी होता है, मगर एक चीज़ यही है कि रखने उखने में थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो गाइस बाकी ओवरऑल बात करें, यहाँ पे हेडफोन बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और दिया गया, इसमें आपको मार्किंग भी दिया गया है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का, कि आप इसको लगाएं तो आपको पता चले कौन सा लेफ्ट साइड का है, कौन सा राइट साइड का, तो ये भी एक अच्छा फीचर दिया। बहुत सारे हेडफोन में नहीं लिखा रहता, इसमें आपको मोटा मोटा अंदर ही यहाँ पर लिखा हुआ, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, बस एक ये ब्लैक कलर का यहाँ पर जो है कपड़ा है, बाकी अंदर जो है ये प्लास्टिक आपको दिख रहा। ओवरऑल ये जो ये सब हेडफोन के जो मेन पार्ट्स हैं ये सारे प्लास्टिक हैं, बाकी आपको ये जो मेन आपको मिलता है ये मेटल है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने बता दी हैं, तो इस तरीके से। और ये जो आपको हेड रेस्ट मिलता है, इसमें लेदर लुक आपको यहाँ पे मिलता है नीचे, और अंदर इसमें जो मटेरियल यूज किया गया फोम के साथ, प्लास्टिक का कोई सीट यहाँ पे इसमें डला हुआ वो यूज किया गया। तो ओवरऑल बात करें इस हेडफोन के बारे में, तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी और क्वालिटी बारे में तो बहुत ही अच्छा है, एक दो पॉइंट छोड़ के तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सही मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, जो लॉन्ग लास्टिंग तक यहाँ पे ये चलेगा। अब दोस्तों मेन चीज़ है यहाँ पे साउंड क्वालिटी के बारे में, ऑडियो क्वालिटी अगर आप यहाँ पर सुनते हैं तो वो कैसे आता है। तो गाइस मैंने इसको यूज़ किया 1 वीक तक, तो बता दें कि अभी तक जब मैं शूट करता था, मैं एडिट करता था नॉर्मल हेडफोन से, तो उसमें मुझे ये नहीं पता चलता था कि इस रूम में जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ कितना यहाँ पे इको आता है, मगर इसको यूज करने के बाद अब पता चला कि इस रूम में कितना इको है, क्योंकि ये रियल वॉइस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे अब पता चल रहा है कि इस रूम में कितना इको है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप इस पर्पस से लेना चाहते हैं हेडफोन कि आप एडिटिंग करें, वॉइस को एडिट कर पाएँ,
तो ये हेडफोन उसके लिए अच्छा है। बाकी आप बात करें नॉर्मल जो वीडियो है, जैसे कि आप कोई भी अदर वीडियो देखते हैं, आप गाना सुनते हैं, म्यूजिक वीडियो, फिल्म वगैरह का, तो बता दें कि आपको ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ख़राब सुनाई देगा, वो भी बहुत अच्छा सुनाई देता है, मगर एक वो जो फीलिंग आपको चाहिए, जैसे बेस बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको बेस सुनाई दे, तो उस तरीके का बेस इसमें आपको नहीं सुनाई देगा। इसमें जो रियलिटी है उस वीडियो की, एक्चुअल जो वो साउंड है, उसमें जो वॉइस है, वो आपको यहाँ पे सुनाई देगा, और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जो ज़्यादा लाउड नहीं पसंद करते, उनके लिए ये हेडफोन बहुत ही बेस्ट है। तो गाइस, ये था यहाँ पे पूरा डिटेल में जानकारी इस K72 हेडफोन्स के बारे में। इसमें माइक नहीं आता, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि माइक दिया गया, तो ये सिर्फ हेडफोन्स है, इसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं, माइक इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये है हेडफोन, इसका जो प्राइस है उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं इस समय करंट में कितना इसका प्राइस चल रहा है, क्योंकि ऑफर्स में ये कम भी हो जाते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसका एक रिफर्बिश भी मिलता है, तो वो कोशिश करिए कि मत लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, आप ओरिजिनल लीजिए और न्यू लीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट रहता है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाय लिंक, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने भी इसको ऑनलाइन अमेजोन से ही मंगाया, तो आप भी जाके अमेजोन से मंगा सकते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे हेडफोन के बारे में कि मुझे क्या लगता है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं बता दूँ कि यार, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो बिल्कुल आपको यही लेना चाहिए। अदर कोई भी आप जो है उसके चक्कर में पड़िए। तो दोस्तों, ये था यहाँ पे डिटेल में वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पहली बार आए, इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, रियलिटी वीडियो देखना चाहते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करके ऑल को ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करेंगे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।